स्वागत है। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने साड़ी पहनी है और मैंने लास्ट व्लॉग में बोला था कि आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा मैंने क्यों पहनी है। तो ये वीडियो मेरी साड़ीज के बारे में है। बहुत लोगों ने बोला था दीदी आप अपनी साड़ी की वीडियो बनाओ जो भी आपके पास कलेक्शन है। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लियर करना चाहूँगी, मैं रहती हूँ कोयम्बटूर में, जो कि ना मेरा इन-लॉज हाउस है ना मेरा मायका है। तो यहाँ मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ और ज़्यादातर हमें बाहर जाना होता है तो साड़ी में कंफर्टेबल नहीं होते बेबी को लेकर के। तो मेरे पास बहुत कम साड़ियाँ हैं यहाँ पे, बट मेरी ज़्यादातर साड़ियाँ मेरे मायके और ससुराल में हैं। तो मेरे पास जितनी भी साड़ियाँ हैं मैंने उसमें से सोचा कि जो मुझे लगता है थोड़ी हैवी हैवी है मैं आप लोगों को शो करूँ। लाइट वेट की भी साड़ियाँ हैं बट मेरी सारी हैवी साड़ियाँ भी थोड़ी लाइट ही हैं, बट थोड़ा सा मैं बाहर जब भी जाती हूँ तो मैं प्रीफर करती हूँ पहनना। और मेरे पास कुछ कुछ साड़ियाँ हैं जो बहुत हैवी हैं तो मैं उसको ऐड करूँगी पिक्चर्स में अगर मुझे मिल पाए तो। तब तक मैं फ़िलहाल आपको अभी जो भी मेरे पास साड़ियाँ उनको मैं शो करती हूँ। तो बढ़ते हैं ब्लॉग की तरफ। सो गाइस मेरी ये फर्स्ट साड़ी है जो कि आप लोगों ने ऑलरेडी देखी हुई है। एंड जो साड़ी मैंने पहनी है वो कोई हैवी है नहीं, ये बहुत लाइट वेट है। बट बहुत टाइम हो गया था और आज ट्यूजडे था तो मैंने प्रीफर किया कि मैं आज रेड कलर पहनूं। एंड ये साड़ी आप लोगों ने ऑलरेडी देखी हुई है। ये साड़ी मैं कहाँ से ली हूँ ये भी मैं बताऊँगी। ये मैं सिवान से ली हूँ, ये मेरे पापा की चॉइस की साड़ी है। जब मेरा बेटा हुआ था और पहला फंक्शन हम लोग कर रहे थे तो उस फंक्शन में मैंने ये पहना था। ये बहुत ब्यूटीफुल है। मैं इसकी मुझे इस साड़ी की साड़ी से ज़्यादा ब्लाउज अच्छे लगते हैं, अच्छी लगती है। आप लोग इस साड़ी पे देख सकते हैं कि आप आ गए हो, आप लोग इस साड़ी पे देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे पीकॉक्स बने हुए हैं एंड पूरी साड़ी में ऐसी कुछ कुछ मिरर वर्क है। तो मुझे ये साड़ी बहुत लाइट वेट है और मुझे अच्छी भी लगती है। और इसमें थोड़ी 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 ये मिरर वर्क से इनका बॉर्डर दिया गया है और लास्ट में ये साड़ी में एक टेसल भी है, मतलब लास्ट आंचल की तरफ में आपको टेसल्स मिलेंगे। सो ये है मेरी फर्स्ट साड़ी एंड इसका ब्लाउज मैं शेयर कर रही हूँ। ये इसका ब्लाउज है पिंक कलर का, जो कि मुझे ब्लाउज अच्छा लगता है और इस पर भी थोड़े से वर्क दिए गए हैं। तो गाइस ये साड़ी मैंने ली थी अपने मायके से, अपने पापा की चॉइस की। एंड ये रही मेरी फर्स्ट साड़ी एंड अब बढ़ते हैं नेक्स्ट साड़ी की तरफ। तो मैंने अपनी सारी साड़ियाँ उठा करके यहाँ पे ही ला दी है। सो गाइस फर्स्ट साड़ी आपने देखी, अब हम बढ़ते हैं सेकंड साड़ी की तरफ, जो कि ये भी कुछ मैं बताऊंगी मैंने कहाँ से लिया है। एक्चुअली ये मैंने नहीं लिया है, मेरी मम्मी और ने मेरा जब बेटा हुआ था उसके सतैसा में मुझे भेजा था मेरे ससुराल, जब मेरे वहाँ पे फंक्शन हुआ था। तो ये येलो टाइप है और हमारे बिहार में मोस्टली फेस्टिवल्स में या कोई रिचुअल में हम रेड और येलो साड़ीज पहनते हैं, तो ये येलो सतैसा में पहनते होते हैं। तो ये भेजा था बट ये बहुत लाइट वेट है और थोड़ा हैवी भी लगता है, तो मैं इस साड़ी को तब पहनती हूँ। ये बहुत सिंपल है, इस पर कुछ ज़्यादा वैसा नहीं है काम, तो मुझे अच्छा लगता है। इसमें भी एंड में टेसल्स दिए हुए हैं, आप लोग टेसल्स देख सकते हैं। एंड मैं इसके साथ पेयर करती हूँ इस ब्लाउज को, जो कि एक बोट नेक में है एंड लड्डू आ चुका है। तो मैं इस ब्लाउज को इसके साथ पेयर करती हूँ यहाँ पे इसके स्लीव्स पे वर्क के। और ये मेरी वेडिंग नहीं होने के पहले ही मैंने स्टिच कराया था अपने अकॉर्डिंगली, तो ये कुछ ऐसा वर्क मैंने कराया था। इस ब्लाउज पे था तो नहीं बट मुझे ये ब्लाउज बहुत पसंद आता है और इसको मैं इजीली वेयर कर पाती हूँ किसी भी साड़ी के साथ। तो देखते हैं आप लोगों को पसंद आएगी तो आप लोग भी कमेंट कीजिएगा, एंड मुझे तो पसंद आती है ये ब्लाउज। सो बढ़ते हैं आगे अपनी थर्ड साड़ी की तरफ, जो कि लाइट वेट ही है बट थोड़ी मुझे हैवी लगती है। तो ये मेरे को मिली है मेरे इन-लॉज की तरफ से, वो भी इसी होली पे, मैं वहाँ पे थी होली पे, अपने भैया की शादी में गई थी तो होली पे भी मैं वहीं पे थी।
तो इसका जो ब्लाउज है वो एग्जैक्ट इसी की तरह है, बट मैंने स्टिच नहीं कराया क्योंकि बहुत कम टाइम था और फिर मुझे यहाँ आना भी था, तो हमें घर पे ही आ जाता है पसंद करने को, तो घर पे आया हुआ था तो मैंने बोला चलो ये वाला रख लेती हूँ मैं, और मेरी जो नीज़ है उन्होंने भी बोला कि नहीं आंटी आप ये रख लीजिए। तो मैं इस साड़ी के साथ पेयर करती हूँ इस ब्लाउज़ को, तो ये प्योर ब्लैक ब्लाउज़ है, बट आप लोग देख सकते हैं मेरे स्लीव्स ऑलमोस्ट फुल होते हैं क्योंकि मुझे फुल स्लीव्स के ब्लाउज़ अच्छे लगते हैं। एंड ये साड़ी कुछ ऐसी है, आपको पूरी बॉर्डर ऐसी मिलेगी नॉर्मल, ये एक लाइट पिंक कलर की साड़ी है एंड ब्लैक कलर का इसका बॉर्डर है, मतलब एकदम ब्लैक ब्लूइश डार्क ब्लू आप बोल सकते थे। तो ये कुछ ऐसी है साड़ी एंड मैंने इसको जस्ट वन टाइम वेयर किया है, अभी तक मैं पहनी नहीं हूँ, मैं देख रही हूँ मुझे नेक्स्ट मौका कब मिलेगा कि मैं पहनूँगी, सो लेट्स सी कि मैं कब तक पहनती हूँ। फिलहाल मैं इसे इस ब्लाउज के साथ पहनती हूँ, तो मैं अपनी साड़ी एंड ब्लाउज एक में ही रखती हूँ। तो 3 साड़ीज आपने देख ली, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आ रही होगी एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे 4th साड़ी की तरफ। सो गाइज ये है मेरी 4th साड़ी जो कि एकदम रॉयल ब्लू कलर की है, डार्क ब्लू है ये, एंड इसका ब्लाउज है कुछ ऐसा जो कि ये मुझे इस साड़ी में ही मिला था। तो ये साड़ी मैंने ऑनलाइन परचेज की है फ्लिपकार्ट से आई गेस, तो ये फ्लिपकार्ट से मैंने ये साड़ी परचेज की है और मुझे ये साड़ी अच्छी लगती है, आपने रिसेंटली मेरी इसकी पिक्स भी देखी होगी। ये साड़ी कुछ ऐसी है कि इधर तो ब्लू है, हाफ ब्लू है ये एंड हाफ पोर्शन आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है, हाफ नेट है हाफ ये थिक कपड़ा है, वेलवेट का कपड़ा है। तो कुछ ऐसी है मेरी 4th साड़ी, हाफ नेट है और ये हाफ थिक कपड़ा है वेलवेट का। सो बताइएगा आप लोगों को कैसी लग रही है ये साड़ी एंड बढ़ते हैं नेक्स्ट साड़ी की तरफ। मैं गाइस इसके साथ एक बहुत सिल्की सा कपड़ा आता है इसका पेटीकोट यूज करती हूँ, वैसे तो ये कलर चला जाता है बट मैं प्रीफर करती हूँ कि मैं लाइट क्रीम कलर का, इस पर एक और है मेरे पास वो मैंने रखा हुआ है वो यूज़ करूँ, तो अभी मैं पेटीकोट भी गई तो दिखा नहीं रही थी, तो अभी जस्ट साड़ी शो कर देगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट साड़ी की तरफ। नेक्स्ट मेरी साड़ी है एक रॉयल ब्लू ही है, ये भी डार्क ब्लू है। तो ये साड़ी मुझे मिली थी मेरे मायके से, जब मेरी शादी हो रही थी तब की है ये साड़ी, तो मुझे ये साड़ी अच्छी लगती है। मैं ये इसकी खास बात ये है, इसका तो ब्लाउज ये वाला है आप लोग देख पा रहे होंगे, सेम जो साड़ी पे बॉर्डर है वही बॉर्डर यहाँ पे भी है, तो ये साड़ी मुझे अच्छी लगती है। एंड मेरे ब्लाउज ऑलमोस्ट आप लोगों को फुल स्लीव्स ही मिलेंगे क्योंकि मुझे फुल स्लीव्स के ब्लाउज अच्छे लगते हैं, मैंने जो पहना है वो भी फुल स्लीव्स है एंड मेरी ऑलमोस्ट सारी ब्लाउज लगते हैं। एंड ये साड़ी भी कुछ ऐसी है, हाफ क्रीम कलर है, बट बेस्ट पार्ट है कि इस पर कुछ ऐसा वर्क दिया है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, प्लेट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको बस शोल्डर पे रखना है और बहुत ब्यूटीफुली इसका वर्क किया गया है, तो मुझे तो बहुत पसंद आता है। ये मेरी मम्मा की चॉइस की है क्योंकि मेरी शादी में सब कुछ मेरी मम्मा ने ही अपने से ही पसंद किया था और ये थोड़े थोड़े छोटे छोटे रोज़ेस बने हैं तो मुझे तो पसंद आता है। सेम ऐसा एक और डिज़ाइन यहाँ पे भी है, जब हम लोग पिन लगाते हैं पिनअप करते हैं तो वहाँ पे ये डिज़ाइन है। साड़ी मुझे मैंने सिवान से लिया था एंड इसका ब्लाउज छोटा है, मैंने इस साड़ी को भी वन टाइम वेयर किया है और ये कुछ ऐसी है, लाइनिंग फुल साड़ी ऐसी है और एक ही उस पर थीम पे है, लास्ट में बस यहाँ आंचल में थोड़ा सा बॉर्डर है, बाकी साड़ी पूरी प्लेन है ऐसे देख सकते हैं आप लोग। तो ये एक रेडिश कलर की साड़ी है जो कि हम किसी फंक्शन या फिर फेस्टिवल में पहन सकते हैं। इसका ब्लाउज कुछ ऐसा है, ये मेरी मम्मी के चॉइस का है, उन्होंने बोला ऐसा सिलवा लो तो मैंने सिलवाया, मुझे ये अच्छा भी लगा था और फिटिंग भी इसकी मस्त बैठी थी। ये एक ऐसा ब्लाउज है जिसकी स्लीव छोटी है, तो ये ऐसा करके ब्लाउज है। सो वैसे तो मैंने ये साड़ी एक बार ही पहनी है, देखते हैं नेक्स्ट टर्न कब आता है, अभी मैंने बस इसको निकाला है दिखाने के लिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट साड़ी की तरफ।
नेक्स्ट मेरी साड़ी ये है, जो कि ये भी हाफ नेट हाफ अच्छे कपड़े की है। ये वाली तो बहुत मस्त शिफॉन टाइप के कपड़े की है, बट हार्ड शिफॉन है, मतलब कि मुड़ भी जाता है अच्छे से, लेकिन मुझे अच्छा लगता है ये। इसका वर्क आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा पास से दिखा रही हूँ। बहुत प्रिटी है ये, मुझे मेरे मायके से मिली थी जब मेरी शादी हुई थी, मैं फर्स्ट टाइम विदाई हुआ था तब, और ये हाफ नेट है तो मुझे बहुत प्रिटी लगती है। मैं इसे खोल के दिखाती हूँ। इसका ब्लाउज मैं दिखा दे रही हूँ फर्स्ट, तो ब्लाउज तो उल्टा है। सो गाइस, इसका ब्लाउज कुछ ऐसा है, आप लोग देख सकते हैं कुछ ऐसा है। ये भी थोड़ा सा हाफ स्लीव है, मतलब 3/4 स्लीव का है, एंड इसके बैक में ऐसी डिज़ाइन लगी हुई है। सेम जो साड़ी में लगी है वही सेम डिज़ाइन ब्लाउज में भी लगवाया है मेरी मम्मा ने। ये भी साड़ी मुझे शादी के पहले ही मिली थी, मतलब कि बन गई थी, बट शादी में फर्स्ट टाइम कभी ब्लैक नहीं ले जाते, तो जब मेरी विदाई हो रही थी तब मुझे ये वाली साड़ी मिली थी, एंड बहुत ब्यूटीफुल लगती है। मैंने इसे 2-3 बार वेयर किया है, एंड ये कुछ ऐसी है साड़ी, आप ऐसे देख सकते हैं। सो जो क्रीम कलर का पोर्शन है, जो जिसमें प्लेट्स बैठते हैं, उसमें ये डिज़ाइन बैठता है, एंड ये साड़ी हाफ है, जो टॉप हाफ है ये है, और जो बॉटम हाफ है ये वो ये है। फर्स्ट हाफ ये है, सेकेंड हाफ ब्लैक कलर है, तो ये आंचल है। थोड़ा सिंपल भी है एंड थोड़ा हैवी भी है, बट ब्लैक हम लोग जनरली किसी शादी वादी में नहीं पहन पाते, तो मैं इसे पहनी थी अपने जब हम लोगों की शादी हुई थी, तो 3rd या 4th मंथ की एनिवर्सरी मनाया था हमने, तब पहना था, और किसी का 6th का फंक्शन था तब मैंने इसको डाला था, तो मुझे ये साड़ी अच्छी लगती है। नेक्स्ट मेरी साड़ी है ये, थोड़ी सी लाइट ब्लू कलर की, स्काई ब्लू आप बोल सकते हैं, एंड इसके बॉर्डर्स ऐसे दिए हुए हैं, जो कि थोड़ा हैवी सा है इसका बॉर्डर, एंड मुझे पसंद भी है ये। मुझे इस बार जब मैं अपने मायके से आई थी तो मिला था, एंड मैंने इसे रखा हुआ है कि मैं पहनूंगी, देखते हैं करवा चौथ पे पहनूंगी शायद मैं इसे। और ये पूरी साड़ी ऐसी ही है, बट गाइस इसका ब्लाउज बहुत लवली है, एंड मैंने उसे स्टिच भी करा लिया है, तो ये कुछ ऐसा सा है इसका ब्लाउज, इसमें मैंने ऐसे टसल्स भी लगाए हैं, तो इसका ब्लाउज तो मुझे पसंद है। ये रहा इसका फ्रंट, एंड देन वो उसका बैक हुआ है, ब्लाउज में जिप लगाया हुआ है, मुझे ये अच्छे लगते हैं ऐसे टाइप के, एंड डिज़ाइंस भी नहीं कट होते, तो मेरी ये साड़ी की भी ब्लाउज 3/4 है, मेरी फेवरेट, मेरे को 3/4 ही अच्छा लगता है। सो ये हो गई मेरी कंप्लीट 8 साड़ी, आई गेस 8 साड़ी थी ये, तो मेरी कंप्लीट 8 साड़ी हो गई, एंड उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको कौन सी साड़ीज अच्छी लगी, एंड खूब सारा शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं अपनी साड़ी का लाइट वेट साड़ी का भी हॉल करूँगी, शो करूँगी आप लोगों को कलेक्शन। तो बस बाय, टेक केयर, एंड सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।